नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। कृषि विभाग डायरेक्ट भर्ती 2024 कार्यालय सहायक सेवल 3 9 एग्जाम 9 फीस। सैलरी आपकी जो रहेगी 22,600 रुपये रहेगी, देखने को मिल रही है दोस्तों 22,629 रुपये। ऑनलाइन आवेदन करना है, चयन प्रक्रिया, नौकरी का स्थान, सैलरी, संपूर्ण जानकारी यहां पर आपको बताने वाले हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत में निकलने वाली हर एक योजना की जानकारी, हर सरकारी भर्ती की जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम वेबसाइट की तरफ। ये दोस्तों ये वेबसाइट है, साइड में जो भोपाल से कार्यरत एक सरकारी वेबसाइट है, इस पर जो भी भर्ती आती है उसकी कोई लास्ट डेट नहीं रहती है। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आप आवेदन कर दीजिए, ये लिंक कभी भी बंद हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यालय सहायक सेवा कक्ष 3 संचालनालय किसान कल्याण एवं कृषि विभाग भोपाल द्वारा यह पोस्ट किया गया था 12/13/2024 को। ठीक है, अगर आपके आपके यहाँ पर कोई नौकरी है तो आप इनके यहाँ ईमेल के माध्यम से साझा कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, स्नातक किसी विषय में 1 वर्ष का कंप्यूटर में बैकअप या UGC किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए। नौकरी का विवरण बात करें तो दोस्तों, ये आपके अनुबंध के तौर पर ये की जा रही है। तो कार्य का नाम कार्यालय सहायक सेवा 3, कुल पदों की संख्या 1 है। स्नातक किसी भी विषय में 1 वर्ष का कंप्यूटर UGC किसी विद्यालय से कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक की डिग्री। अनुभव की बात करें तो दोस्तों, 3 वर्ष का अनुभव है। अगर आपके पास 1 वर्ष का भी अनुभव है तो आप इसमें जरूर अप्लाई करिएगा। प्रमुख कौशल की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, टाइपिंग, पावर एवं प्लाइंट प्रोजेक्शन आदि कार्य में दक्षता होनी चाहिए। स्थान की बात करें तो दोस्तों, विंध्याचल भवन भोपाल में भर्ती देखने को मिल जाएगी। सैलरी की बात करें तो 22,619 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। कार्यकाल आपका 31 मार्च 2025 तक का रहेगा, जैसे कि आपको बताया गया है कि ये अनुबंध है। ठीक है, अगर आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है तो इसकी लिंक डायरेक्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप मेरी दिलचस्पी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने जो है वो ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले रिज्यूम अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका नाम डाल देना है, उपनाम डाल देना है। उपनाम डालने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन दिखेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान से डालिएगा, क्योंकि अगर आपको कोई रिस्पॉन्स आएगा तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से ही दिया जाएगा। आधार नंबर डाल देना है, वर्तमान स्थान डाल देना, मतलब कहाँ पर रह रहा है, पसंदीदा स्थान आपका कौन सा है, शैक्षणिक योग्यता, कौशल सेट कौन सा है, आप किस चीज में आपकी रुचि रहती है, व्यावसायिक विवरण मतलब आपको यहाँ पर कितने वर्षों का अनुभव है, कितनी सैलरी मिलती थी, वो सभी डाल देना है। यहाँ पर फिर से आपको रिज्यूम अपलोड कर देना है, कैप्चर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक जमा करना है। अगर कोई रिस्पॉन्स मिलता है तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से ही रिस्पॉन्स मिलेगा दोस्तों, इसलिए आप अपनी ईमेल चेक करते रहिएगा। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन इसमें आपको प्रोसेस होती है तो ही आपको मेल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगा ऐसी अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट भर्ती के लिए जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद।